मंदिर निर्माण में मारवाड़ की शिल्पकला। राजस्थान के सिरोही में 3 कारशालाओं में पत्थर तराशी का काम जारी। सिरोही के पिंडवाड़ा में 500 शिल्पकार जुटे हैं तराशी में। राम मंदिर के पिलर, पाट, मंडोवर, छत, शिखर और सामरण तैयार। 500 ट्रक तराशे पत्थर आएंगे राजस्थान के विभिन्न जगहों से। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए देश विदेश के अनगिनत हाथ काम कर रहे हैं। लाखों हाथों से निर्माण कार्य के लिए पवित्र दान दिया जा रहा है, तो सैकड़ों हाथ मंदिर निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं। कोई मंदिर की नींव की खुदाई और भराई में जुटा है, तो कोई नायाब शिल्प को गढ़ने में जुटा है। अयोध्या से लेकर राजस्थान तक मारवाड़ के हुनरमंद शिल्पियों के हाथ मंदिर में लगने वाले पत्थर के पिलर और दीवारों को संवार रहे हैं। इंजीनियर और तकनीशियन जहां एक एक काम का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं सैकड़ों लोग परिवहन और प्रबंधन की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। मंदिर निर्माण में जुटे सभी गुड़ी कारीगरों, इंजीनियरों और प्रबंधकों की संलग्नता और तल्लीनता को देखते हुए हनुमान चालीसा की ये चौपाई बरबस याद आती है। विद्यामान गुणीयत चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं इस हफ्ते राम मंदिर के निर्माण की क्या है प्रगति रिपोर्ट, क्या काम हुआ है और क्या काम अगले हफ्ते की कार्य योजना में शामिल है। पांच सौ लोग संवार रहे हैं पिलर शिखर। यूं तो राजस्थान के विभिन्न जिलों में राम मंदिर के लिए पत्थर तराशी का काम चल रहा है, लेकिन सिरोही के पिंडवाड़ा में मंदिर निर्माण के लिए 1996 से ही एक कार्यशाला चल रही है। यहां मंदिर के लिए पिलर और शिखर के पत्थरों पर नक्काशी के लिए दिन रात छेनी हथौड़ी और मशीनों की गूंज सुनाई देती है। पत्थरों पर अपनी शिल्प कला से देश दुनिया में धाक जमाने वाले मारवाड़ के हुनरमंद हाथों से अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण में बेजोड़ शिल्प का नायाब नमूना उकेरा जा रहा है। सिरोही की 3 कारशालाओं में करीब 500 शिल्पकार अयोध्या में बनने वाले भव्यतम मंदिर के लिए नींव के ऊपर दीवारों से लेकर शिखर तक में सजने वाले पत्थरों को तराश रहे हैं। नागर शैली में तराशे जा रहे हैं पत्थर। मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान के पिंजवाड़ा की मातेश्वरी टेंपल कंस्ट्रक्शन, सोमपुरा मार्बल और आबू रोड की मालवी क्राफ्ट में प्रमुख रूप से पत्थर तराशे जा रहे हैं। इन्हीं 3 कारशालाओं में ही पूरे मंदिर में काम आने वाले पत्थरों की नक्काशी हो रही है। राम मंदिर के पिलर, पाट, मंडोवर, छत, शिखर, सामरण, बड़े मंडप, बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से तराश कर तैयार किए जा रहे हैं। तराशी का काम उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 शैलियों में से एक नागर शैली में किया जा रहा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोणीय होता है। इसमें स्थानीय विविधताओं का मिश्रण भी देखने को मिलता है। पिलर्स, दीवारों और छत पर लगने वाले पत्थर बड़ी मात्रा में पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। कुल 4 लाख घनफुट पत्थरों को यहां शिल्पकार खूबसूरत आकार दे रहे हैं। 500 ट्रकों में भेजे जाएंगे तराशे गए पत्थर। राम मंदिर के लिए राजस्थान के सिरोही में तराशे जा रहे पत्थरों की पहली खेप जल्द ही अयोध्या पहुंचेगी। कुल 500 ट्रक पत्थर राजस्थान से अयोध्या आने हैं। अब तक 70 ट्रकों में पत्थरों के ब्लॉक पहुंच चुके हैं। जन जन की आस्था के प्रमुख आराध्य भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण में मारवाड़ की शिल्प कला के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने के लिए राजस्थान की कारशालाओं में दिन रात काम हो रहा है।
राम मंदिर विश्व के अन्य मंदिरों से अभिन्न हो, इसके लिए हर कारीगर पूरी मेहनत के साथ अपना पूरा ज्ञान और कौशल पत्थरों की तराशी में झोंक रहा है। हर कार्यशाला में कम से कम 20 से 25 मशीनों पर रात दिन काम हो रहा है। खास बात यह है कि पत्थरों में जान डालने वाले अधिकतर कारीगर बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन डिजाइन के प्रोग्राम को ये शिल्पकार हूबहू उकेर देते हैं। राजस्थान के शिल्पकारों ने रचा है इतिहास। राजस्थान के मनसाराम लोहार को 1996 में राम मंदिर निर्माण के जनक और बिहिप के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री अशोक सिंघल ने राम मंदिर के लिए पत्थर की तराशी का काम सौंपा था। कार्यशाला प्रमुख और अद्भुत शिला के महारथी मनसाराम के सानिध्य में पत्थर तराशी का काम शुरू हुआ था। कानूनी लड़ाई के बाद तराशी का काम कुछ समय के लिए बंद रहा, लेकिन मंदिर पर फैसला आने के बाद रात दिन फिर से काम होने लगा। मारवाड़ के सिरोही, पाली और जालौर जिले में पत्थरों पर कारीगर अपनी कारीगरी उकेरने वाले सैकड़ों कारीगर जुटे हुए हैं। ये सभी राम मंदिर के लिए तराशी के काम में लगे हैं। खास बात यह है कि ये शिल्पकार न केवल राम मंदिर बल्कि दिल्ली के अक्षरधाम, अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर और हैदराबाद में स्वामी रामानुजाचार्य मंदिर के लिए भी इसके पहले पत्थर तराश चुके हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ शिल्प कला के नमूने गढ़े और संवारे जाते रहे हैं। भूतल से शुरू होगा 5 गुंबदों का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर का आकर्षण इसके 5 गुंबद होंगे। इन गुंबदों का निर्माण भूतल से ही किया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण में जुटी इंजीनियरिंग टीम इसके निर्माण का खाका खींच चुकी है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र समेत पूरी इंजीनियरिंग टीम के सामने निर्माण कार्य का ब्यौरा दिया जा चुका है। बताया गया कि राम मंदिर का मॉडल परिवर्तित होने के बाद भूतल की भी डिजाइन बदल गई है। इसी के अनुरूप पत्थर की ढलाई और कटाई हो रही है। नींव के पत्थरों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मंदिर परिसर में ही एक कार्यशाला चल रही है। इसके अलावा मिर्जापुर के पत्थर की कटिंग का काम परिसर के अंदर वहीं की एक कंपनी कर रही है। नींव में लगाए गए मिर्जापुर के पत्थर। राम मंदिर की नींव में गहरी खुदाई कर मिर्जापुर के पत्थर डाले गए हैं। इसी के ऊपर मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। नींव में मिर्जापुर के पत्थरों की भराई की गई है, क्योंकि ये पत्थर कठोर और मजबूत होते हैं। पत्थरों को कोडिंग के बाद नींव में इस्तेमाल किया गया। कोडिंग की वजह से पत्थरों की सिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आई, जबकि प्लिंथ में राजस्थान और कर्नाटक के ग्रेनाइट पत्थर लगाए जा रहे हैं। राजस्थान के मुकाबले कर्नाटक का ग्रेनाइट पत्थर ज़्यादा मजबूत और उपयोगी होता है। ये पत्थर मंदिर की भार क्षमता सहन करने में सक्षम है। इस तरह राम मंदिर के निर्माण में देश के हर कोने से बेहतरीन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गर्भगृह के लिए राजस्थान से आए तराशे पत्थर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति की बैठक में बताया गया कि गर्भगृह और भूतल में लगने वाले पत्थर राजस्थान में तराशे गए हैं। राजस्थान की जिन 3 कार्यशालाओं में पत्थर तराशी का काम चल रहा है, वहां से पत्थरों की आवक अब शुरू हो गई है। भूतल के लिए नए सिरे से 4 स्थानों पर पत्थरों की तराशी की जा रही है। राजस्थान के 3 स्थानों पर और अयोध्या में रामघाट कार्यशाला में पत्थरों की तराशी जारी है। लक्ष्य के मुताबिक गर्भगृह का निर्माण पूरा हो सके, इसलिए तय हुआ है कि राजस्थान से भूतल के पत्थर सीधे तराश कर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या लाए जाएंगे। यहाँ बस पत्थरों की सेटिंग करनी होगी। अगले हफ्ते तक जरूरत भर के पत्थर अयोध्या पहुँच जाएंगे, फिर इनकी सेटिंग का काम शुरू होगा। तो ये रही राम मंदिर निर्माण की इस सप्ताह की प्रगति रिपोर्ट। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखें। इंतज़ार कीजिए अगली कड़ी का। अगले हफ्ते मिलेंगे
नई जानकारियों के साथ। जय श्री राम।